मैं अभिषेक कुमार बिहारी न्यूज से, और आज हम आपको बताने वाले हैं आनंद कुमार के बारे में, जिन पर सुपर 30 नाम की ये मूवी बनी है। सुपर 30 अभी जिस तरीके से दर्शकों के दिल को छू रही है, वो काबिलियत और हैरान कर देने वाले हौसले के साथ साथ जीवन के कुछ सच हैं जिसे ऋतिक रोशन दर्शकों के सामने लेकर आए हैं। आनंद कुमार एक गणितज्ञ, एक ऐसा नाम जिसने जिंदगी के जद्दोजहद से लेकर हौसलों की मुस्कुराहट तो देखी ही है, साथ साथ कॉन्ट्रोवर्सीज भी देखी हैं। पटना में आनंद का जन्म हुआ, पिता क्लर्क थे, और हैसियत और सपने की वो लड़ाई अमूमन एक गरीब परिवार को जो लड़नी पड़ती है, उसका सामना करने के लिए वो हमेशा तैयार थे। हिंदी मीडियम स्कूल में अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद उनका खासा ध्यान गणित ने खींचा। आलम तो ये रहा कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने के बाद भी वो एडमिशन नहीं ले सके। पूरी कोशिश की पैसे जोड़ने की, पर वो सपना पूरा नहीं हो पाया। सुबह पढ़ाई करते थे, शाम को माँ के साथ पापड़ बेचते थे ताकि परिवार की कुछ मदद हो पाए। उस समय पटना में विज्ञान और गणित के भारतीय मूल के जर्नल्स तो मिल जाते थे, पर विदेशी गणितज्ञों के स्रोतों का अभाव था, तो वो रोज वाराणसी जाते थे अपने भाई के पास। उन्हें पढ़ने के लिए शुक्रवार को निकलते थे BHU की सेंट्रल लाइब्रेरी की ओर, फिर सोमवार को वापस घर। ये गुण है उस व्यक्ति के जिसे अपने कार्य से प्रेम हो। 1992 में बच्चों को गणित पढ़ाना शुरू किया। रामानुजन स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, जो 500 रुपए प्रति माह के रेट पर एक कमरे में चलाते थे, पहले 2 से 36, फिर 36 से 500, धीरे धीरे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ती गई। अब 2002 में वो बदलाव आया जिसने आनंद और उनकी कहानी दोनों को बदल कर रख दिया। एक विद्यार्थी जिसके पास दाखिले के पैसे नहीं थे, वो आनंद के पास आया। उसको देखकर आनंद ने शुरू किया सुपर 30। वो 30 बच्चे जिनकी आंखों में ख्वाब थे, पर वित्तीय तौर पर इतने काबिल नहीं थे कि वो कोचिंग के पैसे दे पाए। तो आनंद ने शुरू किया एक ऐसा टेस्ट जिसमें 30 ऐसे बच्चों को चुनकर उनकी पूरी पढ़ाई का दारोमदार अपने कंधों पर उठा लेते थे। उनकी पढ़ाई, उनका खाना, उनका रहना, तीन चीज जिसमें पहले का तो वो खुद देखते थे। दूसरे, बच्चों के लिए खाना उनकी माताजी तैयार करती थी, और रहने का ख्याल उनके भाई प्रणव कुमार रखते थे। ऐसे पूरा परिवार लग गया एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ जहाँ ख्वाब देखना सिर्फ अमीरों की आदत और दस्तूर मानी जाती थी। फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हर साल सुपर 30 से कई बच्चे IIT में सेलेक्ट होते हैं। कई डॉक्यूमेंट्रीज आनंद कुमार पर बनी है। डिस्कवरी चैनल ने भी उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाया है। कई न्यूज़पेपर के पहले पन्ने पर उनकी तस्वीर छपी है। पर जैसा कि उनका मानना है, कहानी कभी शोहरत पाने की थी ही नहीं। ये कहानी है कि कैसे अपने छोटे छोटे प्रयास कुछ बड़ा कर जाने की शक्ति रखते हैं। 2016 में एक कॉन्ट्रोवर्सी भी आया जिसमें उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। कुछ बच्चों, अखबारों ने उन पर जबरदस्ती बच्चों से पैसे ऐंठने का आरोप लगाया। पर जहां इरादे नेक हो, उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। बिहार का ये लाल बिहार की मिट्टी को गौरवान्वित करता रहा। अभी वो जानलेवा बीमारी से जूझ रहे हैं, और हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्द ही कुमार को ठीक करे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारी YouTube चैनल बिहारी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आप हमारे Facebook पेज से देख रहे हो तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।